वेलकम टू द कोचिंग अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। और आइए हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं बेस्ट आईटीआई ट्रेड फॉर लोको पायलट एग्जाम। आप आईटीआई करना चाहते हैं, आप आईटीआई करने के लिए जा रहे हैं, एडमिशन पे जस्ट जा ही रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा आपको आईटीआई का ट्रेड लेना चाहिए। आप लोको पायलट बनते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो आईटीआई करते ही लोको पायलट बनने के लिए है। तो आपके पास एक बेस्ट आईटीआई ट्रेड का डिग्री होना चाहिए, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए जरूर। हाँ, आप लोग आईटी में एडमिशन ले लीजिएगा और उसके बाद सोचे कि आईटी करने के बाद हम लोग तैयारी करके लोको पायलट बने तो आपको लगभग 400 तक समय लग जाएगा। इसलिए आप लोग के लिए बेस्ट है, आप लोग आईटी में एडमिशन लीजिए और साथ ही आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग में भी एडमिशन लीजिए और आप हमसे मास्टर नोट्स मंगवाइए, मास्टर नोट्स को पढ़िएगा और स्मार्ट वीडियो कोचिंग में आप ऑनलाइन हमारा लेक्चर लीजिएगा। तो आप धीरे धीरे करके जब तक आपका आईटी डिग्री कंप्लीट होगी तब तक आप लोग लोको पायलट की भी आपको हम तैयारी कंप्लीट करवा देंगे। फिर उसके बाद जैसे आपका पहला वैकेंसी निकलेगा तो आप उस एग्जाम को पास कर पाएंगे, क्योंकि लोको पायलट में 3 एग्जाम होते हैं। इसके बारे में हम लोग वीडियो बना चुके हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। तो चलिए हम और एक्स्ट्रा टाइम ना लेते हुए आप लोग को हम इस टॉपिक को क्लियर कर देते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हमसे कॉन्टेक्ट करके पूछते हैं फोन करके कि बेस्ट आईटीआई ट्रेड फॉर लोको पायलट कौन सा होता है, और एक ही तरह के जवाब दे देकर हम थक गए हैं। तो आप लोग इस तरह का अगर आप लोग हमसे पूछने वाले फोन करके तो आप लोग को जवाब यहीं पे मिल रहा है इस वीडियो में। देख, बेस्ट आईटीआई ट्रेंड फॉर लोको पायलट, लोको पायलट यानी कि ट्रेन ड्राइवर। आप लोग को ट्रेन चलाने का सपना है, इस सपना को अगर आप लोग पूरा करना चाहते हैं तो आपके पास मैट्रिकुलेशन तो होना ही चाहिए। मैट्रिक के बाद आप कोई भी कोर्स कर लीजिए, कुछ भी है आपकी क्वालिफिकेशन, आपका कम से कम मैट्रिक हो। इसके बाद आप 12 किए हैं नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं नहीं किए हैं, कोई मतलब नहीं है। मैट्रिक के बाद आप लोग आईटीआई कभी भी किसी भी टाइम किसी भी उम्र में कर सकते हैं। आईटीआई जो है प्राइवेट से भी कर सकते हैं, सरकारी से भी कर सकते हैं। इसको दोनों के बीच में क्या अंतर होता है हम लोग देखेंगे दूसरे वीडियो में। फिलहाल हम लोग जानते हैं बेस्ट आईटीआई ट्रेड फॉर लोको पायलट कौन सा होता है। तो मेरे अनुसार और मेरे क्या जितने भी लोग लोको पायलट बन चुके हैं अभी तैयारी करते हैं उसके अनुसार नंबर वन जो आईटीआई का जो ट्रेड है वो है इलेक्ट्रीशियन। कौन सा है? इलेक्ट्रीशियन। इलेक्ट्रीशियन जो है वो है आपका नंबर वन। इलेक्ट्रीशियन मैं नंबर वन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रिक ट्रेड है, इलेक्ट्रिफिकेशन काफी ज्यादा हो रही है इंडिया में और हाँ, इलेक्ट्रीशियन को एक ऐसा ट्रेड है जिसको कभी भी हटा नहीं सकता लोको पायलट के क्वालिफिकेशन में से। इसलिए नंबर वन मैं इलेक्ट्रीशियन को मानता हूँ, ये पहला रीजन है। दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड एकमात्र ऐसा है जिसकी वैकेंसी और सब ट्रेड से ज्यादा होती है टेक्नीशियन के पोस्ट के लिए। अगर आप मान लीजिए बाय दी वे बाई चांस आपका लोको पायलट नहीं हो पाया, आप लोग नौकरी करना चाहते हैं सरकारी में, तो आप लोग को जो वैकेंसी ज्यादा मिलेगी वो आपको इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का ज्यादा मिलता है और सब ट्रेड के मुकाबले। और इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का जो वैकेंसी होता है सबसे ज्यादा होता है अलग अलग फील्ड में, जैसे मेट्रो में भी इसका ज्यादा होता है, या फिर और भी दूसरे जो सेक्टर है जैसे पावर ग्रिड वगैरह हुआ, एनटीपीसी हो गया, उस समय एनटीपीसी मतलब वो वाला एनटीपीसी रेलवे वाले एनटीपीसी ने नेशनल थर्मल करके एनटीपी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन करके है, तो उसमें यानी कि ताप विद्युत उसमें भी इसका जो होता ज्यादा सीट ज्यादा होती है, यानी कुछ ज्यादा होती है और सब ट्रेड के मुकाबले। तो इसलिए मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रीशियन आप लोग बिल्कुल आंख बंद के कर लीजिए। एक और रीजन इसको करने का है कि इसका जो काम होता है वो आसान होता है, इलेक्ट्रीशियन का जो काम होता है वो आसान होता है। फीटर से अगर आप लोग करते हैं बहुत ही, मैं उसको नंबर टू मानता हूं फीटर। फीटर ट्रेड से अगर आप आईटीआई करते हैं तो लोको पायलट बन सकते हैं इससे भी, और अगर इसको हम 10 नंबर दे तो इसको हम 9.5 नंबर हम दे सकते हैं। दोनों लगभग में सेम होती है, 19-20 का अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। तो अगर आप फीटर से आप लोको पायलट तो बन ही सकते हैं, अगर आप फीटर से आप टेक्नीशियन बनते हैं, सोचिए आपको फीटर से टेक्नीशियन किए हुए हैं और आपको ट्रेन का इंजन को ठीक करना है, तो आपको ट्रेन के इंजन के बीच में घुस जाना है और कितना मोटा मोटा लोहा का टुकड़ा आपको उठाना पड़ेगा, या फिर इस तरह की चीजें होगी। मैं किसी का इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको थोड़ा काम का जो लोड है वो थोड़ा बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रीशियन थोड़ा साफ सुथरा काम है इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। डीजल मोबिल वगैरह आपका हाथ वगैरह में हमेशा लगा रहेगा इससे करिए तो। और इसकी वैकेंसी जो इलेक्ट्रीशियन से थोड़ी सी कम होती है टेक्नीशियन में और भी अलग अलग डिपार्टमेंट में, इसलिए मैं इसको नंबर टू रखा हूँ। नंबर थ्री जो है वो है आपका डीजल मैकेनिक। डीजल मैकेनिक
यानी कि डीजल मैकेनिक से अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो ये इसका एक बड़ा एडवांटेज ये है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है यानी कि 25 साल पार हो गया आपकी उम्र, तो आपको डीजल मैकेनिक से करना चाहिए क्योंकि इसमें आपका एक साल का समय बच जाएगा। और एकमात्र आईटीआई का यही एक ट्रेड है डीजल मैकेनिक, जिससे आप लोको पायलट बन सकते हैं, अलाउ करता है रेलवे। डीजल मैकेनिक एक साल वाली कोर्स है जिसको अलाउ करता है रेलवे डीजल मैकेनिक। ओके, नंबर फोर जो है वो है आपका इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक जो है दो तरह के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो टीवी। तो रेडियो टीवी को बाद में रखें, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक अगर आपको मिल रहे तो आप उसको पहले इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक को चुन लीजिए, ये आपका चौथा। और इलेक्ट्रॉनिक रेडियो एंड टीवी ये आपका रहा पांचवा, इसके अलावा रेफ्रिजरेशन वगैरह का भी अलाउ करता है। इसके अलावा आपको और भी जो जानना है कि पूरा 16 आईटीआई कौन सा ट्रेड है वो हम किसी और वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको जानना है कौन सा है वो ट्रेड तो आप लोग हमारे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे बिकम लोको पायलट किताब मैंने लिखा है, उसको आप लोग लेकर के उसमें पढ़ लीजिए। वहां पे हमने लोको पायलट बनने के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन लिख दी है, उसका ट्रेनिंग कैसा होता है, मेडिकल क्या होता है, वेरिफिकेशन में क्या सब होती है, वो सारा चीज मैंने वहां पे लिखा है। इसलिए आप लोग जाइए वहां पे लिख लीजिए, और इस वीडियो के बाद आपका आईटीआई करने का जो है जो कंफ्यूजन है वो सारा दूर हो जाएगा। और आईटीआई करने में जो है सरकारी से करना चाहिए फिर प्राइवेट से करना चाहिए, दोनों में क्या डिफरेंस है, कहाँ पे क्या दिक्कत आती है, इसके बारे में हम एक फुल डिटेल वीडियो बनाएंगे अगला वीडियो। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, हमारा आपको मास्टर नोट्स लेना पड़ेगा अगर आप लोको पायलट बनना चाहते हैं, वरना आप कितना भी कोर्स कर लीजिए, डिग्री हासिल कर लीजिए, लेकिन आपकी तैयारी ही नहीं होगी तो आप लोको पायलट का तीन बहुत मुश्किल एग्जाम होता है उसको कैसे आप निकालिएगा। आपको कोचिंग का चक्कर 2 से 4 साल तक लगाना पड़ जाएगा, उसके बाद भी गारंटी नहीं कि आपका हो जाएगा। लेकिन आपका मास्टर नोट से आप तैयारी करते हैं, हमारा स्मार्ट वीडियो कोचिंग यूज करते हैं जहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे एक एक टॉपिक को फुल डिटेल में, तो आप लोग बिल्कुल एक बार में रिजल्ट को ला सकते हैं। हमारे हजारों स्टूडेंट रिजल्ट को ला चुके हैं 2018 के एग्जाम में, 2019 के एग्जाम में, और बहुत सारे लोगों की वैकेंसी मतलब की ज्वाइनिंग मिल चुकी है, बहुत सारे लोगों का ज्वाइनिंग अभी भी अटका हुआ है। तो आई होप कि उन लोगों को भी जल्दी नौकरी मिल जाए और आपको भी जल्दी से नौकरी मिल जाए। और आप लोग आईटीआई करने के जस्ट बाद अगर आप नौकरी चाहते हैं तो आपको आईटीआई करते समय ही आपको तैयारी कर लेनी पड़ेगी। चलिए, अगला वीडियो जो आ रही है वो आपका सरकारी आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई के ऊपर होगा, तो देखना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, आप लोग हमारा वीडियो को लाइक करते रहिए हमेशा, ताकि हम जल्दी जल्दी बहुत सारे वीडियो अपलोड कर सके। और लाइक करने से हमें थोड़ी सी मतलब की प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन है, चलो हम वीडियो को लाइक मतलब बना रहे तो लोग इसको लाइक कर रहे हैं। और हाँ, हमारा वीडियो बिल्कुल लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। हमको ये सब बात नहीं बोलना पड़े सभी वीडियो में क्योंकि टाइम लॉस होता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से लाइक जरूर से जरूर करते जाइए। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं, हम आपको नंबर दे रहे हैं अपना 8406891116। आपको अगर मास्टर नोट्स या फिर वीडियो कोचिंग लेनी होगी तो आप लोग इसी नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करिएगा, कोई तरह की किसी एक्स्ट्रा कोई दिक्कत हो तो हमें फोन कर सकते हैं। सिर्फ मिस कॉल करिएगा, हमारा नंबर को सेव कर लीजिए अभिषेक सर या फिर अभिषेक सर यूट्यूब के नाम से, ताकि हम आपको दोबारा कॉल बैक करें तो आपको पता हो कि कौन हमें फोन कर रहे हैं। नहीं तो फिर 10 से 15% स्टूडेंट जो है वो फोन करने के बाद भूल जाते हैं हमारा नंबर को और फिर पता नहीं चलता बोले कौन है, कहाँ है, क्यों बोल रहा है, क्यों किससे काम है, ऐसे कैसे फोन कर दिया। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग वेट करिए हमारे अगले वीडियो को।